तो ऊपर से हेलमेट लिया है, हमने जीएमआई रुके थे यहीं पे। आमिर फोर्ट की चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट हो गई है। ऐसी रोड वहाँ को पसंद आती है, हिली एरिया वाली ना। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग ऑफ हंक राइडर्स। तो अभी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब जाएंगे हम आमिर फोर्ट पे, मेन आमिर फोर्ट पे। कल के ब्लॉग में हमने जो कंटिन्यू करा था वो करे थे आमिर फोर्ट की सामने वाली वॉल पे, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन आज हमारे को उस पर दोबारा चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बंदा है ना, ये बहुत गैर जिम्मेदार आदमी है। केदारनाथ में भी ये चीज करी थी, यहाँ पे भी हेलमेट जगह पे छोड़ कर गया, तो वही जगह अब हमारे को दोबारा चढ़नी पड़ेगी और वहाँ से हेलमेट उठा के लाना पड़ेगा। वो बिल्कुल टॉप पे छोड़ रखा है इसने हेलमेट, और इन हमारे मिस्टर अमित जी के पैर में डली हुई है रॉड, पता नहीं कैसे चलेंगे बेचारे। अमित जी चढ़ जाओगे? अच्छा लो, वो तो वीडियो में देखा था मैं, कैसे सांस है तुम्हारी फड़फड़ाती है। चलो यार कंटिन्यू करते हैं बाइक से मोटो लगता है। हम आमिर फोर्ट के लिए निकल चुके हैं, पहले हमारे को जाना पड़ेगा उसी जगह पे, पहले इसका हेलमेट उठाएंगे और उसके बाद हम वहाँ से हम आगे एक फोर्ट के लिए जाएंगे, क्योंकि फोर्ट थोड़ा लेट खुलता है और अभी अराउंड टाइम हो रहा है 7:30 के आसपास। तो हम सोचे पहले वो चीज़ कवर कर ले, उसके बाद हम शॉपिंग करने जाएंगे, फिर उसके बाद हम निकलेंगे अपने घर के लिए। काश ऐसा टाइम रहता पूरे दिन के लिए, दिन में आप यहाँ पर आओगे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा और चलाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है यहाँ पे। सी दिस ब्यूटीफुल डॉग। ओए हेलो, कुत्तों को घूमना इतना पसंद है ना, मेरे को तो अपने ब्रूनो की याद आ जाती है किसी कुत्ते को देख के। हम थोड़े से यहाँ पे हिली एरिया पे आ चुके हैं। हिली क्या है तो प्लेन, ये पूरी वैली टाइप का ये कुछ दोनों साइड पहाड़ी पहाड़ी। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है इस टाइम पे घूमने के लिए जयपुर में, ये टाइम वैसे मुझे सबसे बढ़िया लगा। सांसें फूल चुकी हैं और ऊपर का क्या रहा है, ऊपर आधा किलोमीटर ये ऊपर का व्यू है। एक बार फिर से इस बंदे की वजह से भाई, ये बंदा हमेशा करवाता कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा। ऊपर मिलेंगे, बहुत हार्ड चढ़ाई यार, आराम से आना, हमेशा रुकते रुकाते तेज भागोगे, तेज भागोगे फंस जाओगे। जोशी ढूंढना है तो मिल गई हेलमेट हमारा, तो बस अब यहाँ से 2-4 मिनट में निकलते हैं। यहाँ की हाइट है और वो वहाँ पे छोटे छोटे बाइक कार्स सब चीज़ दिख रही हैं, और इधर हमारा बंदा बैठा हुआ है अमित जी। हाइट तो बहुत ज़्यादा है यहाँ की, तो ऊपर से हेलमेट लिया है अमित जी, हमारे रुके थे यहीं पे ताकि इनकी हड्डियों में भरा पानी। भाई तुम्हारा सामान लेकर रुका हुआ था यहाँ पे, समझ में आया जी नहीं, ये तुम लेकर आए थे। अपन दोनों का भगते हुए और लेके आ गए हेलमेट। हेलमेट दिखा भाई, ये रहा अपना हेलमेट। इसके चक्कर में पूरा ऊपर चलना पड़ गया, रात को एक बार चढ़े थे फिर दोबारा चलना पड़ गया। नाश्ता हमारा आ गया है और भैया से हमारा बस एक ही सवाल है, भैया रसोड़े में कौन था? जी रॉयल रजवाड़ा, रॉयल रजवाड़ा। फोकस क्यों नहीं कर रहा भैया? वो ये दही है मक्खन दही। तो भैया के हिसाब से रसोड़े में इनका शेफ था, अब आगे इसे सवाल मत उठाना। रसोड़े में कौन था? बाइक्स ऑलमोस्ट धुल चुकी हैं और भैया लगे हुए यहाँ पे पॉलिश लगाने में, फाइनल राउंड। व्यू भी धुल चुकी है। और भैया आपकी जगह कौन सी है, कहाँ पे रहते हो आप लोग? आमिर, आमिर में, आमिर फूलबाग कॉलोनी, आमिर फूलबाग कॉलोनी। किसी को भी अगर सर्विस वर्विस करवाने आ रहे हैं तो यहाँ पे हो, बहुत मेहनती बंदे हैं, बहुत बढ़िया सर्विस करते हैं। पूरी धुल चुकी है,
अब आमिर फोर्ट की तरफ चलते हैं। तीनों बाइकें धुल चुके हैं, 220 भी, 390 भी और जिक्सर भी। आमिर फोर्ट की चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट हो गई है और यहाँ से बहुत बड़े व्यू आते हैं। बाकी देखते हैं कहाँ तक ये रोड जा रही है। सो जस्ट अभी आमिर फोर्ट पहुँचे हैं और आमिर फोर्ट के अभी अंदर एंट्री लेते हैं, सारा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने लायक हैं और आपको रिकमेंड करेंगे क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हो इन फ्यूचर आने वाले, अगर आप कोई ट्रिप अगर प्लान कर रहे हो। तीसरा बंदा क्या है हमारा, एज यूजल उसको हर कहीं भी पहुंचना है, हर फोर्ट पर उसने आगा, हर फोर्ट पे आगा भाई साहब, देयर इज नो फोर्ट। आपको अगर यकीन नहीं तो आप आगे चेक कर सकते हो, यू कैन सी शिट, ही इज डूइंग शिट देयर, देयर इज नो प्रोटेक्शन, दरवाजा भी टूटा हुआ है, बट स्टिल ही इज वेरी ब्रेव, ही इज डूइंग शिट अगेन अगेन एंड अगेन। ये आमिर फोर्ट की मेन एंट्रेंस, दिस इज द टोटल व्यू ऑफ आमिर फोर्ट फ्रॉम इनसाइड, दिस इज द मेन गेट, ये सब यहाँ का व्यू है। क्राउड बहुत है यहाँ पे आज, सब लोग क्रिसमस की वजह से आ रखे हैं, सूरज की लाइट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि दिन का टाइम है, अराउंड 12 बज रहे हैं। तो यहाँ पे अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और ये हमारे छिछोरे लौंडे सारे सेल्फी लेने पे लगे पड़े हैं, इनको मतलब ही नहीं किसी चीज़ से, कोई मतलब नहीं है, सब चीज़ मार लेते हैं। ये देखो ये सेल्फी किंग, ये टिकटॉक स्टार है एकदम। तो आमिर फोर्ट अभी हमने पूरा देख लिया, अब नीचे उतर रहे हैं आमिर फोर्ट से। अब यहाँ से एक किला है जहाँ पे यहाँ की जयपुर की सबसे बड़ी तोप है, वहाँ पे जा रहे हैं। क्या फोर्ट है वो जहाँ पे जा रहे हैं, लगा लिए? कौन सा फोर्ट है? जयगढ़ फोर्ट। तो जयगढ़ फोर्ट अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं से कितना टाइम लगेगा। एलिफेंट्स बहुत सुंदर है यार, लेकिन फिर भी यार इनको इस तरीके से नहीं रखना चाहिए, जो जिसकी जगह जहाँ पे है उसको वहीं रखना चाहिए, ये हमारी नेचर का पार्ट है, ऐसे बांध के नहीं रखना चाहिए किसी को। मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कोई भी मतलब राइड करे इन सब चीज़ों की, क्योंकि आप लोग राइड करते हो तभी ये सब लोग इनको पकड़ पकड़ के लाते हैं, पालतू बनाते हैं, मारते पीटते हैं। जानवरों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार करो उतना बढ़िया है, मेरा तो यही रूल है। बाकी आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है आप खुद बताओ। ये वैसे बहुत ही बड़ा टॉपिक है क्योंकि लोग चिकन मटन भी खाते हैं, मेरे लिए तो वो भी एक ऑफेंस ही है कि मतलब आप ये सब चीज़ें खाते हो। लाइफ है, सबको जीने का हक है, किसी को नहीं मानना चाहिए, बाकी मर्जी यार आप लोग क्या कह सकते हो इसमें। आप जैसे आमिर फोर्ट से आओगे जयगढ़ फोर्ट जाने के लिए तो आपको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, अराउंड 4 से 5 किलोमीटर, और उसके बाद एक राइट टर्न आएगा, राइट टर्न पे लेके सीधे सीधा रोड ये जयगढ़ फोर्ट के लिए जा रहा है। तो यहाँ से एक व्यू पॉइंट आया था पूरा व्यू कैप्चर करने के लिए, वो सामने जल महल है, बहुत दूर दिखाई दे रहा है यहाँ से, कल वहाँ पर हम भी गए थे। पूरी रोड का व्यू आ रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, जैसे 2 मिनट के लिए मैंने रोकी थी। ऐसी रोड हमको पसंद आती है, हिली एरिया वाली ना, इन पे राइड करने में मज़ा ही अलग आता है। यहाँ पे भी ऐसे रोड अच्छी बना रखी है इन्होंने, माउंटेन्स में इतनी ही रोड होती है, इससे ज़्यादा चौड़ी रोड बना के फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इतनी रोड हो लेकिन अच्छी बनी हुई हो तो कोई मतलब ट्रैफिक जाम का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। सो वेलकम 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 टू जयगढ़ फोर्ट, यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे लंगूर बैठे हुए हैं। तो हम पहुँच चुके हैं जयगढ़ फोर्ट और हमने यहाँ पे लिया है गाइड, ये यहाँ के बारे में थोड़ा सा हमारे को बताएंगे
भैया ये कब बनाता है? फर्स्ट फाउंडेशन रखा था 1036 में महाराजा काकिल देव ने, ओके, और इसको कंप्लीट किया था सवाई जयसिंह जी सेकंड ने 1726 में। पूरे किले को करने में 700 इयर्स का टाइम लगा था और 27 जनरेशन निकल गई थी बनाने में 700 साल लगे थे। हाँ जी, 27 पीढ़ियां निकल गई थी इस किले को बनाने में। तो सोचो कितना, मतलब आज भी फोर्ट प्राइवेट है, कितना खतरनाक फोर्ट होगा। जैसा कि फ्लैग लगा हुआ है, देखो ये रॉयल फैमिली का ही फ्लैग है, इसमें 5 तरह के कलर है। और इसके ऊपर एक छोटा फ्लैग और लगाया जाता है, वो आज भी क्या इंडिकेट करता है कि राजा जयपुर में है कि नहीं है। अच्छा, यदि राजा जयपुर में होते हैं तो 2 फ्लैग होते हैं। अच्छा, और राजा जयपुर से चले जाते हैं तो सिंगल फ्लैग। तो यहाँ पे अभी राजा वाजा का आने का कुछ सीन होता है? हाँ बिल्कुल। तो वो राजा वैसे रहते कहाँ पे? वैसे राजा अभी सिटी पैलेस जयपुर में रहते। सिटी पैलेस जयपुर, ओके। 35 किलोमीटर की उस टाइम पे मार्ग क्षमता चोर। पुराने टाइम पे देखो कितनी अमेजिंग चीजें थी, टेक्नोलॉजी ना होते हुए भी कितनी, मतलब धाकड़ चीजें वो लोग बनाते थे। आगे लेके चलते हैं, आगे वो आपको दिखा दे तो क्या चीज दिखती है, क्या क्या चीजें है। सो ये है वो तोप, अरे पूरा तोप का व्यू ले लो, कितना लंबी तोप है। उसके बाद भैया बताएंगे क्या क्या चीजें हैं। देखो ये दुनिया का सबसे बड़ा तोप है, इसकी पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि ये फोर व्हील्स पर स्टैंड, चार पहियों पर बेसिक जो पैनल होता है वो दोनों पे देखा होगा। जो मेन पैनल है ये ऊपर वाला बैरल, इसका मेन तोप, और नीचे वाली इसकी गाड़ी है। एक मेटल का बना हुआ है, 20 फुट लंबा है। इन दोनों के कंप्लीट पार्ट्स यहीं पे तोप का कारखाना था, जगह नहीं बना, और एलिफेंट के जरिए पार्ट्स को ऊपर लाके इसको असम्बल किया गया था। 1720 सवाई जयसिंह जी द्वितीय के शासनकाल में इसको बनाया गया था, और उसी दौरान इसको एक बार मात्र टेस्ट फायर के लिए चलाया गया, सिर्फ टेस्ट के लिए, उसके बाद कभी नहीं। चलाने के लिए 100 किलो बारूद और 50 किलो का लोहे का गोला यूज किया गया। जब इसको चलाया तो इसका जो गोला है वहाँ से 35 किलोमीटर दूर जाके गिरा था, चाकू जयपुर में ही, ओके, जिस जगह पर गिरा था सवाई जयसिंह जी द्वितीय ने, उस जगह को खुदवा के याददाश्त के लिए तालाब बना दिया, और उसको नाम दे दिया गोलीमार, आज भी जाना जाता है गोलीमार तालाब के नाम। कलाकारी तो है, मतलब पुराने समय में बहुत ज्यादा कलाकारी थी। ब्रश बालों से बनाया जाता था, मुल्तानी मिट्टी की साड़ी बनाई गई थी। इस टाइम पे कोई सोच भी नहीं सकता ऐसी चीजें बनाने के बारे में। कर लिया, अब हम निकल रहे हैं, सीधा होटल पे जाएंगे। होटल पे जाके अपनी पैकिंग करते ही सीधा मेरठ निकलेंगे। तो अब यहाँ से अब थोड़ा सा प्लान में चेंज आया, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से हवा महल जाएंगे। हवा महल पे इसको नितिन को थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी है, तो वहाँ से शॉपिंग वगैरह करके फिर हम आगे निकलते हैं वहाँ से। तो सीरियसली गाइस, इस फोर्ट की मैं स्टोरी सुन के मतलब बिल्कुल मतलब शॉक्ड हूँ कि मतलब यहाँ पे अभी भी स्टिल राजा हैं जयपुर में। तो यहाँ से हमने करी है शॉपिंग, और अब यहाँ से निकलेंगे हम आगे के लिए। होटल जाके चेकआउट करते हैं, और वीडियो ये काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।